मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने ज्वाइन की भाजपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान का समय निकट आ रहा है। इस बीच नेताओं का दल बदलने का क्रम जारी है। रविवार को लखनऊ में बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा का दामन थामने वालों में बरेली की निदा खान भी शामिल हैं। निदा खान बरेली के प्रतिष्ठित आला हजरत खानदान की बहू और 3 तलाक पीड़िता है। निदा खान मौलाना तौकीर की बहू है और 3 तलाक पीड़िताओं के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर बरेली से इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने पिछले दिनों को कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करते हुए कांग्रेस की नीतियों की पैरोकारी शुरू की है। इस पर निदा खान ने मौलाना तौकीर जरा को आईना दिखाया था। निदा का कहना था कि अगर मौलाना तौकीर महिलाओं का सम्मान करते और उन्हें न्याय दिलाते मैं ही क्यों पीड़ित होती। निदा ने भाजपा के 3 तलाक कानून की सराहना की। भाजपा में शामिल होने के बाद 3 तलाक पीड़िता निदा खान ने कहा कि मैं भाजपा में इसलिए शामिल हुई क्योंकि भाजपा 3 तलाक कानून लाई और इसने सभी धर्मों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। बीजेपी ज्वाइन करना मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मुस्लिम महिलाएं निश्चित तौर पर भाजपा का समर्थन करेंगी। लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में रविवार को निदा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आपको याद दिला दें कि हाल ही में निदा खान ने मौलाना तौकीर जरा पर गंभीर आरोप लगाए थे। निदा खान ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने घर के मामलों को अभी तक नहीं निपटा पाया वो समाज के लिए क्या कर पाएगा। वो खुद को प्रियंका वाड्रा का बड़ा भाई बताकर साथ में खड़े रहने की बात करते हैं। मैंने उनके बड़े बड़े दावे सुने। मुझे ये समझ नहीं आया कि जब मैं उनके घर की बहू बनी और मेरे साथ नाइंसाफी हुई तो मेरे साथ आज तक इंसाफ क्यों नहीं हुआ। निदा खान का कहना है कि मौलाना तौकीर ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। 3 तलाक जिसकी वजह से उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े। शिकायत करने के बाद भी कभी साथ नहीं दिया। उनके मान सम्मान को कुचलने के लिए हमेशा महिलाओं के खिलाफ फतवे जारी करते रहे और अब वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कैंपेन की तारीफ और महिलाओं के सम्मान की बात करना, ये सब उनका कांग्रेस को जिताने के लिए षड्यंत्र है। निदा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। निदा खान ने मौलाना तौकीर रजा के सहारे कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा था कांग्रेस ने भी कभी महिलाओं के सम्मान की बात नहीं की, 3 तलाक का हमेशा विरोध किया। सपा सरकार में जब उनको 3 तलाक दिया गया तो वह दर दर भटकती रही। उनको कहीं न्याय नहीं मिला बल्कि न्याय के बदले जान से मारने की धमकी मिली। फतवे जारी किए गए कि निदा के मरने पर उसके जनाजे में कोई मुसलमान शामिल नहीं होगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। भाजपा सरकार आने के बाद उसको सुरक्षा और न्याय मिला। आला हजरत खानदान की बहू है निदा खान। जानकारी के अनुसार निदा खान का निकाह आला हजरत खानदान के मौलाना उस्मान रजा खान उर्फ अंजुम मियां के बेटे शीरान रजा खान के साथ हुआ था। मौलाना उस्मान IMC मुखिया मौलाना तौकीर जरा खान के बड़े भाई हैं। निदा का शीरान से तलाक हो चुका है जिसकी लड़ाई निदा आज भी लड़ रही हैं। वे अपने साथ अन्य 3 तलाक पीड़िताओं को भी न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं।